भाभी ये क्या कर दिया? भाभी मतलब राधा बाई की बहू? हाँ उन्हीं काशी बाई है, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। राधा भाई, बहु बर्तन में रखे पानी की तरह हो, जिसका आकार साचा सब तय हो तो ही अच्छा है। वही तो, अलहड़ नदी की तरह दौड़ती खेलती बहु सही नहीं होती। धीरे धीरे सीख जाएगी। अनुभी लेकर जाओ काशी को। आइए ना, नहीं रहने दीजिए। कावेरी आइए। ये विवाह कहीं हम सबके जीवन की सबसे बड़ी भूल तो नहीं साबित होगा? बाबा आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आओ चीमा जी। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे भाऊ बाजीराव और उनकी पत्नी काशीबाई के संबंध बाकी पति पत्नियों की भांति सामान्य कब होंगे, बस यही सोचकर परेशान हो रहा था। आश्वस्त रहिए बाबा, आप और आई तो कहानी सुनाते हैं कि बाजी भाव को पहले तलवार भारी लगती थी और अब तलवार उठाई तो उठाई रह गई। पहले चावल नहीं खाते थे, कहते थे कि सफेद चावल छोटे छोटे कीड़ों की तरह लगते हैं और अब देखो कितनी चाव से चावल खाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने से पहले, नदी में तैरने से पहले हिचकते थे और अब पहाड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना उनके लिए एक शौक बन गया। हमारे बाजी भाव ऐसे ही हैं। जिस दिन उन्हें भाभी समझ में आ जाएगी फिर देखिएगा, जैसे वो हम सबसे प्यार करते हैं भाभी से भी करने लगेंगे। अच्छा लगा आप लोग आए, लीजिए ना। अब पड़ोसी हैं तो आएंगे ही। राधा बाई वैसे चुनाव बुरा नहीं है तुम्हारा, लेकिन ये लड़की बहू जैसी नहीं है। जैसी भी हो उसे बहू बनाना ही पड़ेगा। कोशिश तो वही कर रही हूँ। विवाह के बाद जितनी जल्दी बहू को बहू बना लोगी ना राधा भाई, उतना अच्छा होगा। अब तुम्हारा घर मामूली तो है नहीं, जितना ऊंचा घर उतने ही ऊंचे उस घर की बहू के संस्कार होने चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बेटा जो इज्जत कमाएगा ना बहू गवा देगी। बताया था ना बर्तन और पानी, पानी की जगह कंकर हुए ना तो आवाज तो होगी ही, बर्तन भी टूट सकता है। अब चलते हैं। आज्ञा दीजिए। चीमा जी मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से लाडू को मना कर चासवाड़ा ले जाऊं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद बाबा बहुत परेशान होंगे और मोटिया छोटिया भी परेशान होंगे, क्योंकि काशी जाएगी तो लड़ाई कर कर मना कर सुना कर रो धो के चुप करा कर ठीक कर देगी। तुम चिंता मत करो कृष्णराव, सब ठीक हो जाएगा। परेशान सिर्फ तुम्हारे आए बाबा नहीं, हमारे बाबा भी बहुत परेशान हैं। छोटी मालकिन मेरे साथ चलिए, मालकिन आपको बुला रही है। वो फिर से कोई सजा देंगे। अरे आप सर क्यों झुका रही हैं? अच्छा चलिए।
आज तक मेरे बारे में, तुम्हारे ससुर जी के बारे में, बाजीराव के बारे में, इस घर के किसी बच्चे के बारे में उनके व्यवहार को लेकर कोई शिकायत नहीं आई। किंतु तुम्हारे बारे में वो आई, और क्यों आई तुम अच्छे से जानती हो। हे देवा, हे देवा, देवा, देवा। सासुई, वो बहु देखने आते तब तो उन्हें समझ आएगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ ये देखने आए थे कि हम कैसे चलते हैं और कैसे बैठते हैं। और एक बार दौड़ते हुए क्या देख लिया, वो तो नतीजे तक पहुंच गए कि हम अच्छे नहीं हैं। ये क्या बात हुई? यही बात हुई, यही संस्कार होते हैं बहू के। तुम्हें ये करना ही होगा काशी। कल से इस घर में तुम दौड़ के नहीं चलोगी, सलीके से चलोगी, समझ रही हो? सासुए, हम ये नहीं कह रहे कि हम हमेशा इस घर में दौड़ दौड़ के ही चलेंगे। हम कभी दौड़ भी ले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पाप हो गया। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी। हमारे परिवार में हमारी एक पहचान थी कि दौड़ने में हमें कोई पकड़ नहीं पाता था, और आज आप हमसे यही पहचान मांग रही है? और आप हमसे हमारी पहचान मांग नहीं रही है, बल्कि छीन रही है। तो हम ये कैसे दे दें आपको? कावेरी, चुनौती स्वीकार की है तुमने, हम दोनों के बीच शर्त लगी है तो वही सही। अगले एक पहर तक तुम इस पर चलोगी, अगर पहर समाप्त हो गया तो तुम्हारी मर्जी, तुम जितनी चाहे दौड़ लगा सकती हो इस घर में, मैं नहीं रोकूंगी। किंतु अगर तुम पहर समाप्त नहीं कर पाई तो फिर इस घर में आज के बाद तुम दौड़ नहीं लगाओगी, मंजूर? मखमल की कालीन पर चलने वाली साहूकार के घर की एक राजकुमारी जब योद्धा के घर की बहू बनती है, पत्नी बनती है, तब उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके पैरों को कंकर पत्थरों पर चलने की आदत डालनी पड़ती है। और ये मैं अपने अनुभवों से कह रही हूं। छोटे मालकिन, आप बच्चे हैं, क्यों जिद कर रहे हैं? मालकिन की बात मान लीजिए, और वैसे भी विवाह के बाद यही आपकी दुनिया है, यही आपकी सासुआई और आप उनकी बहू। आपकी सारी बातों से सहमत हैं हम, और सासुआई का सम्मान भी करते हैं, लेकिन काशीबाई जैसी बेटी है वैसी ही बहू बनकर रहना चाहती हैं, जो ये नहीं चाहती। Thank you.
काशी मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें तकलीफ हो, किंतु हर सास की तरह बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहू भी मेरी तरह हो। अपने खानदान के संस्कार अपनी बहू को देना, यही तो धर्म होता है सास का, यही तो सदियों से चलती आ रही परंपरा है और यही चलती रहेगी। लेकिन क्यों, क्यों हर एक सास अपनी बहू को अपनी तरह बनाना चाहती है, और क्यों एक बहू अपनी सास से अलग नहीं हो सकती? और वैसे भी कुदरत ने सबको अलग अलग बनाया। आह, आह, एक जैसा बनाना होता तो कुदरत हम सबको हम शक्ल बनाती। हाथ छोड़िए हमारे, आपकी चुनौती पूरी करनी है ताकि काशीबाई काशीबाई ही रहे। अब कुमकुम की थाल में पैर रखो। ये महालक्ष्मी, ये कैसे दुविधा मेरे पैरों की छाप लेके इस घर में प्रवेश कराया गया और मुझे कंकड़ पत्थर पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कृष्णाराव ने जो सूची बनाई थी उसमें काशी की सारी पसंद नापसंद लिखी थी, लेकिन याद नहीं आ रहा कि उसकी पसंदीदा मिठाई कौन सी थी। वो कड़वी दवा के बाद उसे वो मिठाई दे देता तो खुश हो जाती, और कृष्णाराव से भी पूछ नहीं सकता। छोटे सरकार, महार जी ने चाशकमान से काशी के लिए संदेशा भेजा है। काशी को अभी जाकर संदेशा देता हूं, खुश हो जाएगी वो। काशी के साथ ये सब गलत हो रहा है। कल काशी बेहोश भी हुई थी तो शायद राधा काकी ने ही कुछ किया होगा। जाके बाजीराव को बताती हूँ। गंगा, काशी के लिए उसके आई बाबा का संदेश आया है। कहाँ है वो? अपने कक्ष में है या कृष्णराव के साथ कहीं खेल रही है? ना तो वो कक्ष में है और ना ही कृष्णराव के साथ खेल रही है। तो फिर कहाँ है वो? वाड़े के पिछले प्रांगण में। वाड़े के पिछले प्रांगण में? वहाँ क्या कर रही है वो? राधा काकी। रुको, अभी देख कर आता हूँ। जाइए बाजीराव और अपनी आंखों से देखिए कि आपकी आई काशी के साथ क्या कर रही है, जिसे आप इधर विवाह करके लाए हैं। काशी, मान लो मेरी बात और रुक जाओ। नहीं ससुई, हमें चुनौती पूरी करनी है। एक पैर तक हम ऐसे ही घूमेंगे ताकि आपकी बहू तो रहेंगे पर अपनी तरह रहेंगे।
चिंता मत करो, पानी ठंडा है, आराम मिलेगा। क्या हुआ, क्या हुआ काशी? कुछ नहीं, बच्ची है, भागते दौड़ते वाड़े के किसी हिस्से में गई थी, पता नहीं छाले पड़ गए हैं पैरों में। चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे। ये तो झूठ बोल रही है। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सास कमान से तुम्हारे लिए एक संदेश आया है। पढ़ के सुनाइए। प्रिय काशी, हम लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम पर मिलने के लिए चास आने का दबाव नहीं डालना चाहते, ना ही हम लोग सासवड़ आना चाहते हैं, बल्कि हम चास कमान और सासवड़ के बीच स्थित प्रसिद्ध शंकर जी के मंदिर में आज जा रहे हैं। संभव हो तो हमें क्षमा करके वहां आ जाना। हमें नहीं मिलना किसी से, और आप जवाब दे दीजिएगा। पर काशी, काशी बात तो सुनो। ये चुनौती अभी पूरी नहीं हुई है काशी, इसे पूरा करना ही होगा। प्रिय काशी, हम लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, प्रसिद्ध शंकर जी के मंदिर में आज जा रहे हैं, संभव हो तो हमें क्षमा करके वहां आ जाना। हमें नहीं मिलना किसी से। कैसी बातें कर रही हो काशी? मानता हूँ तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन वो तुम्हारे आई बाबा है। हमारा आई बाबा, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। जाइए, जाकर अपना काम कीजिए। हर समय मुझसे बदतमीजी से बात मत किया करो काशी, और अपना काम कीजिए। अपना काम कीजिए क्या होता है? तुम कैसे हो, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये जानना भी मेरा ही काम है, क्योंकि हमारा विवाह हुआ है। ये सच है कि ना तुम मुझे अपना पति मानती हो और ना मैं तुम्हें अपनी पत्नी, लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तो जब तक तुम अपने बाबा के पास वापस नहीं लौट जाती, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। तो मत निभाइए कर्तव्य, और हमारे लिए भी यह विवाह एक सजा है। क्या सजा, सजा लगा के रखा है तुमने? कैसी पड़ रही है बाधा, बट गया है शौर आधा आधा, कैसी कैसी पड़ रही है बाधा, देश धर्म से हुआ है, कैसी कैसी पड़ रही है बाधा। काशी, विवाह हम दोनों का हुआ है, हम दोनों की इच्छा के बिना, इसलिए ये सजा तुम अकेले क्यों भुगतोगी? अगर तुम अपने आई बाबा से नहीं मिलोगी तो मैं भी कहीं चला जाता हूं।
आई बाबा से दूर, और जब तक तुम अपने आई बाबा से नहीं मिलोगी तब तक मैं वापस शहर नहीं आऊंगा।